डे 7 चैप्टर 8, यू आर ए वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इस चीज को समझने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंट्रोलिंग क्रिएटिंग अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस का, कि किस तरह से आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। और वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये तीसरा वर्ड नहीं बोला, क्योंकि कई बार लोग एंजॉय नहीं करते, उस चीज को फंस जाते हैं। आप अपने आप को जितना ये फिजिकल बॉडी समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप हैं। आप उसे एनर्जी बॉडी भी कह सकते हैं, उसे ऑरा भी कह सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी मतलब जो आपकी अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा आप हैं। और ये सारी चीजें तो अब तक हम समझ ही चुके होंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही नहीं हैं। आप जैसा कि ऑरा मैंने कई बार बताया है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आप जैसा सोचते हैं, सोच का असर आपके ऑरा पे पड़ता है और उसका असर दूसरों के ऊपर भी पड़ता है, आपके ऊपर तो पड़ता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई देखता है तो वो आपको जैसे अपनी आंखों से देख रहा है, अपने कानों से आपकी आवाज सुन रहा है। आपकी आंखों और कानों का पावर है कुछ, और इसी से ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ आप कुछ पार्ट ही देख सकते हैं और बहुत ज्यादा पार्ट नहीं देख सकते। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 3 to 5% हम देख सकते हैं, बाकी 95% देख ही नहीं सकते। उसी तरीके से अपने आप को भी समझेंगे कि अपने फिजिकल बॉडी को बस हम ये थोड़ा ही सा देख पा रहे हैं, बहुत कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं। अब एक चीज समझते हैं कि यू आर ए वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर समझ रहे हैं ना, कि जो हर मोमेंट कुछ सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई बार बार ऐसा सोचता है, सोचता क्या है, उसकी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है कि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो जो एक्सपीरियंस हो रहा है वैसे ही आप सोच भी रहे हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा जो भी है। तो समझने वाली बात यह है कि आपके मन में बार बार आ रहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, तो आप क्या सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उस टाइम? यही कर रहे होते हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनता है। तो होगा क्या, आपको वैसे ही और लोग मिलेंगे कि आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो इसीलिए क्योंकि आप उसी तरह के सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं एवरी मोमेंट। तो अब इस केस में क्या करते हैं लोग, कई बार सीख जाते हैं कि एफर्मेशंस, जैसे हमने कल भी समझा था कि एफर्मेशंस, और उसका उल्टा बना लेते हैं कि मेरी बात हर आदमी सुनता है, मेरी बात हर जगह सुनी जाती है। इस तरह का कोई एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन बना लेते हैं और उसको शायद बार बार रिपीट करते हैं। अब देखिए, हम लोग गलती कहाँ करते हैं वो मैं बता रही हूँ, कि है लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरी कोई बात नहीं सुनता है ना, और आपके अंदर भी बहुत दिनों से, इनफैक्ट सालों से ये चला रहा है कि मेरी कोई बात नहीं सुनता, ना मेरे पेरेंट्स सुनते हैं, अब ना बच्चे सुनते हैं, मतलब इस तरह से जो भी केस है ऐसा। क्या किया आपने, सीखा कुछ और आपने अंदर एफर्मेशन चलाना शुरू कर दिया कि मेरी सभी लोग बात सुनते हैं, सभी लोग बात सुनते हैं। और हमने पहले ही ये समझ के रखा हुआ है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत तेज है, वो एकदम एक तो गार्ड की तरह है, वो आपको तुरंत बता देगा कि क्यों झूठ बोल रहे हो। मेरा कहने का ये सीधा सा मतलब है कि हम पॉजिटिव एफर्मेशन ऐसा ले लेते हैं और उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता, तो वो इसीलिए नहीं दिखाई देता कि आप लाइफ में वैसी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और आप अचानक से आप कोई ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस उठा के बोले, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उस चीज को अंदर लेगा ही नहीं, उसको बिलीव ही नहीं करेगा। वो आपको बार बार बताएगा कि भाई झूठ मत बोलो, तो आपके वो एफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर ही नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि कई बार हम लोग इस चक्कर में परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ कोई काम कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई एफर्मेशन काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अपनी थॉट्स के लिए जब हम अवेयर होते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार बहुत ही स्पेसिफिक और इजिली आइडेंटिफाइड मतलब आसानी से पहचाने जाने वाले सिग्नल आपको प्रोजेक्ट करना है। अभी देखा आपने, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया था उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि समझ में तो आ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव अफर्म, कंफ्यूजन हो गया। लेकिन अभी हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम सिग्नल्स ट्रांसमिट करें जो कि बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि तुरंत रिसीव किया जाए, समझा जाए और उसका आंसर दे दिया जाए।
और इमिडिएटली आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है और फ्यूचर सिचुएशन चेंज होने लगे, मतलब चेंज तुरंत दिखाई देने लगे। तो वो इसी तरह से हो सकता है जब आप एकदम क्लियर और ऐसा सेंटेंस, मतलब ऐसी थॉट लेकर आएंगे जो आप भी उस पर बिलीव करते हो। अच्छा पता है क्या, पूरा यूनिवर्स आपके ऐसा करने से उस पर इफेक्ट आता है। जैसे ही आपने अपनी थॉट चेंज करी, जो मैंने कल एक वो बनाया था ना, एक फिगर टाइप जो भी कह लो, कि आपका जो लाइफ वो पाथ था उससे आपने हटके इधर कुछ क्रिएट करने लगे, तो वो कुछ और ट्रैक आपने क्रिएट किया। इसका मतलब क्या है कि आपने तुरंत पूरे यूनिवर्स पे इफेक्ट डाला, एंटायर यूनिवर्स। तो हर समय आपका थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसका असर पूरे यूनिवर्स पे पड़ रहा है। और पास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पास में जो कुछ भी हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब तक। हाँ जी सपना जी, क्या कह रहे हैं? मैम, तो ये वही वाली बात हो गई ना कि हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में तो ये जो क्वेरल है, ये तो मतलब जो झगड़ा है वो चलता ही रहता है। कि मतलब कभी कभी कोई चीजें होती है जो कि हमें पता होती है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर डेलिब्रेटली मतलब हम चाहते हैं कि नहीं, हम इस डायरेक्शन में ना जाए, एज अभी हमें अवेयरनेस है हम इस डायरेक्शन में जाए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो रहता ही है। तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की वजह से हो सकता है कि मतलब जो हमारा जो मतलब हम चाह रहे हैं वो शायद इसलिए डिले हो रहा है। मतलब अब आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि मतलब वो शायद हम मैसेज दे तो रहे हैं, मतलब हम अपने आप को अवेयर करके पॉजिटिव वे में हम बोल तो रहे हैं, लेकिन समवेयर वो शायद 1% 2% दिमाग में शायद ये भी है कि ओके, लेकिन हमारी सोच तो ऐसी है बट हम अवेयर होके ये चीज बोल रहे हैं, तो इसलिए शायद वो चीज हमें डिले हो रही है मिलने में। तो उसी के पीछे का ये सारा, ये जो साइंस है वो इसी के पीछे अभी बताने का मतलब यही है कि चीजों को इसी तरह समझेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, हम लाइफ में कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एकदम ही कंट्रास्ट, बहुत नेगेटिव मान लो, और हमें चाहिए कुछ एकदम पॉजिटिव, और तुरंत हम वो पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार बोलने लगते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कुछ और। तो आप ही सोचो कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उस एफर्मेशन को लेगा ही नहीं, वो यही बोलेगा भाई क्यों खाली पीली झूठ बोल रहे हो, है टाइम वेस्ट कर रहे हो, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो, तारीख पे तारीख बीतती चली जा रही है और तुम्हारा झूठ खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा अपना तो जो मैम उसको एफर्मेशन डील का करना, तरीका है उसे चेंज करेंगे। हाँ जी तो डील करना थोड़ा वो ट्रिकी नहीं हो गया है? मतलब हमें पता है, हम अवेयर है, लेकिन अब एक वो माइंड में एक थोड़ा स्ट्रेस वाला फीलिंग आ जाएगा कि ओके अब मुझे अफर्म तो करना है, लेकिन मतलब देखो वो भाई, एक और ये सारी जो चीजें हैं वो इसलिए बताई जा रही है कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ जो मैं सोचती हूँ वही होता है, जैसा जैसे मेरे अंदर थॉट्स आते हैं वही चीज होती है। ये सारी चीजों को बताने का मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल एकदम आपको समझ में आ जाए, आपको क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट ना रहे कि क्या ऐसा होता भी है, अच्छा कभी होता हुआ कभी नहीं होता हुआ, या कुछ छोटी चीजों में हो जाता होगा बड़ी चीजों में नहीं होता होगा, ये सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ये पूरा वो है ना, कि होता ही है, आपको बस करना क्या है वो चीज सीखनी है, आपके अंदर ही वो गाइडेंस पूरा सिस्टम बना हुआ है। चलिए अभी उस पर भी आते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस हम पिक करें जो कि हमारा दिमाग इजिली उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। ऐसे समझेंगे कि जो भी इस समय प्रेजेंट मोमेंट में आपका जहां भी अटेंशन है, अटेंशन मतलब जहां भी फोकस है, जो भी आपके अंदर विचार चल रहे हैं, जहां किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ को ही लेके, कुछ भी हो सकता है, मान लो कैरियर हो सकता है ना, हेल्थ हो सकता है, तो उस चीज पे उस एरिया पे किस पर्टिकुलर चीज को लेके आपके अंदर थॉट चल रहा है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है एग्जैक्टली। और आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है कि मेरे आसपास हो क्या रहा है, या मेरे उस हेल्थ एरिया में मान लो हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, क्योंकि जो प्रॉब्लम होगी उसी से मिलती जुलती चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो बहुत इजी तरीका है अपनी लाइफ में जो भी जिस चीज को भी करेक्ट करना है, जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा उस पे ऑब्जर्व करने का टाइम आ गया है कि आप उसको देखो कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप प्रॉब्लम को मान लो आप पता चल गया कि हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम है मेरी हेल्थ में, मान लो हेल्थ एरिया ले रही हूँ मैं, इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, इसका मतलब ये चीजें आपके दिमाग में भी चल रही हैं,
कि पहले अपने दिमाग में ही देखेंगे कि क्या चीजें चल रही हैं, मतलब आपने अपना फोकस, अपना अटेंशन किस तरफ रखा है। आप ऐसे समझेंगे उसी तरह की वाइब्रेशंस को आपने एक्टिवेट कर रखा है, और हर मोमेंट आप अपने पूरी जो दुनिया है अपने लिए, अपना आपका दुनिया यूनिवर्स, वो आप क्रिएट कर रहे होते हैं। और आपके अंदर ही एक बहुत ही आसानी से समझने वाला एक गाइडेंस सिस्टम है। पहली चीज समझने वाला क्या है कि आप सही रास्ते पे हैं भी या नहीं है। आपका जो आपने आपने अपना रास्ता सोचा है, मतलब मान लो कोई एक गोल सोचा है, वो आपके लिए सही है भी कि नहीं है, इसको भी आप ही खुद ही ट्रैक कर सकते हो। आपका वो जो सिस्टम है वो खुद ही बताएगा, वो इंडिकेटर है उसमें। तो गाइडेंस सिस्टम कैसे काम करता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, योर फीलिंग्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ योर गाइडेंस सिस्टम। जैसा मैंने हमेशा से आप सबको बताया कि फीलिंग्स जो है वही सीक्रेट है। फीलिंग्स मतलब आपके अंदर की भावनाएं। तो आप जैसा भी फील करते हैं वही इंडिकेटर है आपके गाइडेंस सिस्टम का। और क्या आपको इंडिकेट करता है? सबसे पहला चीज कि आप उस सोर्स एनर्जी से अलाइनमेंट में हैं या नहीं है, सबसे पहले तो यही आपको बताएगा। और साथ में ये भी बता देगा कि आपकी प्री बर्थ प्लानिंग, ये अभी तक तो इस चीज पे सब एग्री कर चुके होंगे या समझ चुके होंगे कि प्री बर्थ प्लानिंग भी होती है कुछ, ठीक है। प्री बर्थ प्लानिंग और करंट इंटेंशंस, इस समय के जो इंटेंशंस है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनमें तालमेल है या नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। और कैसे पता चलेगा? जब भी आप के अंदर कोई भी नेगेटिव फीलिंग आती है तो इसका मतलब तालमेल नहीं है, ना उस सोर्स से है, ना आपके करंट इंटेंशन से है, ना आपके प्री बर्थ प्लानिंग से है। जैसे ही कोई नेगेटिव, कोई भी डर आ गया, कोई फ्रस्ट्रेशन ही आ गया, कोई चिंता आ गई, कोई किसी भी तरह की कुछ नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपका अलाइनमेंट आप लूज कर चुके हैं, उस सोर्स से भी लूज कर चुके हैं, और आपको जो चाहिए उससे भी। हाँ जी मायरा जी, दीदी, ये प्री बर्थ प्लानिंग माना, जैसे आपने शायद कुछ क्लासेस पहले कहा था कि हम आने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या क्या करेंगे इस बर्थ में, राइट? ये वही है ना प्री बर्थ प्लानिंग जो आप कह रहे हो। हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये भी रहता है कि हम अपने कार्मिक अकाउंट्स जो हैं, हमने जिस जिस से रीपे करना है, हम ऐसे ऐसे रीपे करेंगे। बट हम बर्थ लेने के बाद ये सारी बातें भूल जाते हैं बेसिकली। तो दीदी, जो हमें कार्मिक डेट्स पे करने हैं, उसका मतलब उसको हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे? अभी तो हम पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, बट जो इफेक्ट आना है वो तो अपने टाइम पे आएगा ही आएगा। तो हम इस चीज को, जैसे आपने बोला ना नेगेटिव फीलिंग आएगा, तो आई हैव एक्सपीरियंस दैट एट टाइम्स में ग्रेटिट्यूड में अगर गुड गुड हाई में चल रही होती हूँ, लेकिन फिर भी रास्ता वो ठीक होता है, बट स्टिल वो करेज नहीं आता, या एक नेगेटिव फीलिंग आती है जो उस पॉजिटिविटी से भी हटा देती है, और फिर नेगेटिविटी की तरफ चलना पड़ता है, बिकॉज समवेयर जो हमारा जो भोगना है, जो ड्यू है, वो हमें मिलना होता है। तो इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? कि हमें लगता है कि हम यहाँ पे भोगने के लिए आए हैं, है ना। कार्मिक, जैसे हमने कार्मिक कुछ सुना, इसका मतलब हमें कुछ तो नेगेटिव, हमें उस चीजों से गुजरना होगा। एक चीज समझने वाली बात है, लाइफ हमेशा दो तरीके से जी जा सकती है। पहला तरीका तो ये है कि जो नॉर्मल तरीका है, जो नॉर्मल लोग अपनी लाइफ जिस तरह से जीते हैं, वो यही तरीका है कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है उसको आप एज इट इज लेके एक्सपीरियंस करते चले जाएं और जीते चले जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें, और उस टाइम क्या होगा कि जो लेसन्स हैं आपको, जो आपने सोच के रखा था, जब आप इतने आप अवेक हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर ये अवेयरनेस आ जाएगी, तो आपको लगता है कि आप किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोचेंगे फिर? नो दीदी, तो कर्मा जो है वो यही तो है ना, कि जो उधर से आ रहा है उसको बैलेंस आउट करना है। तो हम बैलेंस, आप ऐसे सोचो कि बैलेंस नेगेटिव में जाके भी कर सकते हैं, प्लस आप ऊपर उठ के भी बैलेंस कर सकते हैं। उधर से नेगेटिव आता चला जा रहा है, आप इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर से सेंड आउट करो कि वो सब बैलेंस हो जाए। देखिए एक चीज गीता में क्या कही गई है, पाप पुण्य, सुख दुख, यश अपयश, ठीक है। और ये सारी जो भावनाएं हैं, सारी जो फीलिंग्स हैं, वो एक साधारण मनुष्य के लिए हैं। साधारण मनुष्य मतलब जो नॉर्मल आदमी जो लाइफ जी रहा है। लेकिन दीदी
गीता में उसको नाम दिया गया है कर्मयोगी। कर्मयोगी मतलब क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे उसको है विश्वास। कि कर्मयोगी के लिए क्या है कि वे इन भावनाओं से मुक्त हो जाता है, चाहे वो भावनाएं मतलब यही सब पाप पुण्य और दुख सुख। कैसे मुक्त हो जाता है? अपनी जो अंतरात्मा की आवाज वो सुनता है, परमात्मा पे विश्वास करता है और इसी को अपना आचरण बना लेता है। अब ये मैं यहाँ गीता को लेके चले आई हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूँ कि एक तरीका ये है कि आप अपने वही पाप पुण्य सुख दुख और ये सारी चीजों के साथ अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। देखो उसमें भी लिखा है साधारण मनुष्य उस तरह की जिंदगी जी सकता है, जीता है। लेकिन एक कर्मयोगी, कर्मयोगी समझ रहे हैं ना, जो हम ये सब सीख रहे हैं वो कर्मयोगी ही बन रहे हैं एक तरीके से। अगर आप देखें तो कर्मयोगी ये नहीं है कि आप तलवार लेके युद्ध में ही लड़ने लगे तो आप वो कर्म कर रहे हैं। हर समय जीवन एक युद्ध के ही समान है। अगर ऐसे देखें तो हर समय आपको कर्म पे ही फोकस करना है कि आपको क्या करना है, आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही समझ में आ रहा है दीदी, बिल्कुल रिलेट हो रहा है। थैंक यू। है ना। मैंने मतलब एक्स्ट्रा में वो गीता वाला ले लिया, वो इसलिए ले लिया कि एक चीज क्लियर हो जाए कि हम नॉर्मली ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा से ये रहता है कि कर्म मतलब भोगना, भोगना तो पड़ेगा ही, है ना। तो वो साधारण मनुष्य, साधारण मनुष्य और ये सारी चीजें पता नहीं क्यों मैंने अभी बोल दी, लेकिन ये इस बुक का उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड, बट मतलब इट इज सो मच रेलेवेंट टू समथिंग दैट हैड बीन हैपनिंग विद मी यस्टरडे। और मतलब आपकी इस एक स्टेटमेंट ने ना सब तो कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो एक्चुअली मैं ऐसे ही नहीं बोला, मतलब इट हैज बीन सेड फॉर मी, आई कैन अंडरस्टैंड इट बिल्कुल फ्रॉम यूनिवर्स कि बहुत मतलब बहुत ज्यादा रेलेवेंस है और बहुत बड़ी चीज से जंप लगाने में हेल्प करा दिया आपने अभी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू उसका कब कौन सी बात कहाँ से आ जाती है ये नहीं पता चलता, लेकिन मेरा बस कहने का मतलब ये था कि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई अगर हम इतना पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर कर्मा बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। जो निगेटिव आना है वो तो आएगा ही, जो मुश्किल आनी है वो तो आएगी ही, फिर तो हमें उसे भोगना ही पड़ेगा। भोगना और मतलब ये जो ये सारी चीजें है ना, ये एक अलग तरीका है जीने का। और वो तरीका ये है कि भाई ठीक है, जो मेरा प्लान है मुझे वही जीना है, उसी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और उसका भी वो तरीका है कि आप खुशी पूर्वक उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ जो मुझे भोगना है। और ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ संत मिलेंगे, मैं संत इसलिए कह रही हूँ कि ये काम संत ही कर सकता है कि जो मुझे भोगमान है वो मैं भोग के ही उसे खत्म करूंगा। इस तरह की चीजें भी होती हैं कि जो है प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उन्हें खुशी पूर्वक उन्हें एक्सेप्ट करूंगा, मतलब उनको भोगूंगा ही, चाहे वो किसी डिजीज के रूप में आए या फिर किसी भी रूप में आए। कर्मयोगी मतलब अपने कर्म मतलब एक्शंस, है ना। एक्शंस आप अपने हर समय थॉट से भी लेते हैं, अपनी फीलिंग से लेते हैं, अपने इमोशन से लेते हैं, अपने वर्ड से लेते हैं। अपने हर समय अपने एक्शंस पे ध्यान रखेंगे कि क्या हमारे एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। और ये चलो एक डिफरेंट चीज हो गई, आते हैं बुक पे। तो किसी भी थॉट को आप जितनी ज्यादा देर उस पे रहेंगे, हम सबको पता है, मैंने कई बार पहले भी बताया कि बार बार जिस थॉट को हम अंदर लाएंगे वो बिलीफ बन जाएगा, ठीक है। और जब कोई थॉट एक बिलीफ बन जाती है, बिलीफ आपके अंदर वो जिसे कहते हैं इम्प्रिंट हो गई, अब वो चीज बाहर आनी ही आनी है। और एक चीज समझ लीजिए कि जो भी हमारे अंदर की इस समय एट प्रेजेंट जो भी बिलीव्स हैं, जो भी धारणाएं हैं, जो भी मान्यताएं हैं, हर चीज को लेके, वो कभी ना कभी एक नॉर्मल थॉट रही होगी। लेकिन बचपन में ही कह लो, क्योंकि उसी टाइम में क्या होता है कि हमारी जो दिमाग की ऐसी वो होती है कि जो कोई बोलता है, जो भी बोलता है, उसको हम इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए अब उसको थोड़ा सा चेंज करने का मतलब है थोड़ी मुश्किल अपने अंदर लेकर आना। लेकिन बात समझने की यही है कि कोई भी थॉट पहले आपको, जैसे यही बात थी ना कि कोई भी एफर्मेशन जो है वो अभी मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि कोई भी थॉट पहले एक जेंटल, एक नॉर्मल थॉट ही होगी, लेकिन उस पर जब हम बार 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 फोकस करेंगे, विथ फुल अवेयरनेस फोकस करेंगे, तो वो धीरे 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 आपके पावरफुल बिलीव्स बन जाएंगे। और ये सारी चीजें सीखने का मतलब ही ये है कि अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसको रीप्रोग्राम करना
और हो सकता है कि कभी कभार मुश्किल लगे, क्योंकि कोई भी चीज बनी बनाई को फिर से बनाना थोड़ा मुश्किल होता ही होता है, क्योंकि जो बना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है उसको धीरे धीरे हटा के दूसरी चीज आपको लेकर आना है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती ही आती है। और जो आप सबको पता है कि जो पहले की चीजें बनी होती है ना, वो थोड़ी मजबूत ज्यादा होती है, क्यों ना हमारे अंदर के जो बिलीव्स ही हैं वो मजबूत थोड़े ज्यादा ही हैं, और उन पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, तो ऐसे ही समझ लेंगे। तो एक और चीज समझने वाली बात है कि इस दुनिया में कभी कुछ भी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता मतलब चाहे वो आपकी कोई थॉट ही क्यों ना हो, वो भी कभी खत्म नहीं होती। कोई भी सोचा हुआ विचार कभी भी नहीं खत्म होता है, ये बात समझ के रखनी होगी। बस खत्म नहीं होता, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और जब भी हम कभी उसको दोबारा से सोचते हैं, दोबारा से अपने दिमाग में लेकर आते हैं, तो वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। खत्म कभी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। और जब भी हम उस पर फोकस करेंगे उस थॉट पे, तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होके उसी तरह के वाइब्रेशंस फिर से इमिट होने लगेंगे। और ऐसे समझ लो कि आपने पावर में समझा था ना, कि बस जैसे टर्न अवे हुए मतलब उधर घूमे, तो वो सो गया, वो थॉट सो गया मतलब सुषुप्त अवस्था में चला गया, डीएक्टिवेट हो गया, दैट थॉट बिकम्स डोरमेंट। तो इसीलिए उसमें तो यही था ना कि जब भी कुछ ठीक ना लगे तो जस्ट टर्न अवे। लेकिन टर्न अवे क्यों और उसके पीछे का पूरा साइंस समझने के लिए हम अभी यहाँ बैठे हैं। तो लाइफ में अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, जस्ट उस तरह की थॉट्स को डीएक्टिवेट करना है। और थॉट्स कौन सी चल रही हैं आपके अंदर, वो अगर नहीं पता कर पा रहे हैं, तो अपनी लाइफ में जो भी चीज को चेंज करना है या जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, बस एक थोड़ी हल्की निगाह डालेंगे कि चल क्या रहा है, बस उसी से समझ जाएंगे कि आपके अंदर की थॉट्स क्या चल रही है। एक दो लाइन में ही उन थॉट्स को पकड़ लेंगे कि हाँ मेरे दिमाग में यही थॉट्स चल रही है, उसी का इम्पैक्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। तो बस आपको उन थॉट्स को डीएक्टिवेट करना है, और डीएक्टिवेट करने का इजिएस्ट तरीका और द ओनली वे, सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, अपना फोकस, अपना अटेंशन उससे हटाकर उस पे रखें जो चाहिए। ये बहुत इजी तरीका है, इजी तरीका है, आपको किसी के दिमाग में जरूर आ रहा होगा, इजी तो लग रहा है लेकिन है नहीं इतना इजी। क्यों, जैसे ही आप अपना फोकस चेंज करने का एक इरादा बनाते हैं कि हाँ मुझे चेंज करना ही करना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले जो चाहिए उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले वो आप कहीं अपना नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मुझे लाइफ में चाहिए वो ये है, ठीक है, विद फुल क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा अभी हमने समझा था, कंफ्यूज्ड स्टेट वो बड़ा गड़बड़ होता है। और फिर उसके बाद जो चाहिए उस पे आपको फोकस रखना है, फोकस अपना मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि 91.1 चैनल एक बार लगा लिया और एक बार शायद वो मैच कर गई फ्रीक्वेंसी और म्यूजिक आने लगा, और फिर आप क्या कर रहे हैं बीच बीच में 91.3 लगा दे रहे हैं, 92 लगा दे रहे हैं, 90.8 लगा दे रहे हैं, तो आप समझिए कि वो म्यूजिक कैसे आएगा फिर। तो उसको मेंटेन रखना है। किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, एक तो अपने अंदर उस तरह की थॉट्स क्रिएट करके, बोल के वर्ड्स, ठीक है, फील करके उसकी वाइब्रेशंस आपको, और जितना ज्यादा आप ये करते जाएंगे ना, आप उसकी वाइब्रेशन से एक तो स्ट्रांग होती चली जाएंगी, और धीरे धीरे वो थॉट जो है वो आपका डोमिनेंट थॉट बन जाएगा। और जब वो डोमिनेंट थॉट बन जाएगा, आप उसकी वाइब्रेशंस खुद ही फील कर पाएंगे। जैसे ही आप उस मोड में आएंगे, जैसे ही आपके दिमाग में वो बात आएगी, आप उसकी वाइब्रेशंस फील कर पाएंगे, उस थॉट की वाइब्रेशंस फील कर पाएंगे, आपके अंदर एक अलग सी खुशी रहेगी, एक अलग सा चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप किसी थॉट को बार बार उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस आपका बना रहता है, तो वही वाइब्रेशंस आपके अंदर से इमिट होती हैं। और जब बार बार ऐसा करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही थॉट्स आपके पास और अट्रैक्ट होंगी, बिकॉज ये यूनिवर्स जो है वो अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स है। तो जस्ट प्रैक्टिस दैट वाइब्रेशन। कौन सी वाइब्रेशन, वही जो आपको चाहिए, चाहे आप उसे डोमिनेंट थॉट कह लें, या वो जो वाइब्रेशन आएगी ना, बस आप समझ लीजिए वो वाइब्रेशन जो आपको फील होने लगे कि हाँ मैं उस मोड में आ गई हूँ, तो आप समझ लीजिए कि वो बस बिलीफ बन ही रहा है, वो प्रोसेस में है, आप
उसको अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में लेके आ रहे हैं। पता है कैसे कैसे पता चल रहा है? मैंने आपको वो फिगर बना के बताया होगा और वो याद होगा कि कॉन्शियस माइंड से जब बार बार थॉट्स अंदर जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जैसी आती है वो बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। आपके बॉडी में वो चीज आपको समझ में आने लगेगी, वो वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे, है ना? तो समझ लेना कि बस वो बिलीफ बनने की तैयारी में है। तो इसमें यही लिखा है, द लॉन्गर यू थिंक थॉट्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकम। मतलब एक विचार पर आप जितना, हाँ ऐसे समझो, एक विचार पे आप जितना विचार करेंगे उतना ही वो पावरफुल बनता चला जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि चलो आज सुबह उठ के मैंने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस मतलब अपने अफर्मेशंस कर लिए या ग्रैटिट्यूड जो भी कर लिया, अब दिन भर मेरा कोई और चैनल लगा हुआ है, पता चला कुछ एंगर का लगा है, कुछ स्ट्रेस का लगा है, फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, फिर मैं रात में आके जब सोने लगी तो फिर शायद मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी, वो मैजिक रॉक हाथ में पकड़ा, फिर वो आ गई, और दिन भर कुछ और चलता, तो क्या हुआ, ये मिक्स्ड वाइब्रेशंस हो गए कि सुबह और रात में हाँ हो गया और दिन भर कुछ और रहा। तो कंटिन्यूस वो जो आप रेडियो ऑन करते हैं ना, वो अच्छी म्यूजिक तभी ऐसा लगता है जब वो उसी उसी पे रहे, है ना? बार बार अगर हम चेंज करते रहेंगे, चलो चेंज तब भी करो कि 91.1 से 93.5 लगा दिया तब भी सही लगता है, 93.5 से 98.3 लगा दिया, मतलब जिसमें म्यूजिक आता रहे तो सो सही लगता है। बीच बीच में वो जो कुछ और लगा दो जिसपे कुछ नहीं आ रहा है, जर वो सब आ रहा है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब आपका एंगर, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं उस टाइम। आप आउट ऑफ अलाइनमेंट किससे हो जाते हैं? सोर्स एनर्जी से हो जाते हैं, अपने गोल से हो जाते हैं। तो जब हम उस स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट को बना के रखते हैं तो उसी तरह के इमोशंस आप फील करने लगते हैं, और आपका सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर आपको बताता रहेगा कि आप कहाँ हैं, कितने पानी में हैं। अब एक चीज समझेंगे कि जब भी आप किसी चीज पे फोकस करते हैं, वेन एवर यू फोकस, कहीं भी इट एक्सपेंड्स, इट ग्रोस, ये सब हमें पता है, ठीक है? तो एवरी थॉट, हर थॉट को, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपका गोल है उसको इतना डिटेल उसमें आप डिस्क्राइब करके रखो कि उसकी, जैसे कहते हैं कि कई चीजों पे आप थॉट क्रिएट कर सको। जैसे मान लो सिर्फ यही नहीं कि मुझे एक परफेक्ट हेल्थ चाहिए, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बिकॉज आपके दिमाग को हर समय कुछ 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 नया चाहिए। परफेक्ट हेल्थ कैसी होनी चाहिए, कैसा वेट होना चाहिए, कैसी बॉडी होनी चाहिए, किस तरह की एनर्जी लेवल होना चाहिए, किस तरह से आप मूव करेंगे, किस तरह से आप दौड़ेंगे, किस तरह से एक्सरसाइज करें, मतलब मेरा कहने का ये है कि उसमें वैरायटी लेकर आए, जिससे कि आप अपने थॉट्स जो हैं वो तरह तरह की उन्हीं चीजों पे लगाएं जो आपको चाहिए, ठीक? ये चीज समझ में आई? तो जैसे ही आप फिर उन चीजों पे फोकस करते हैं, अभी तक तो सिर्फ परफेक्ट हेल्थ, लेकिन आपने क्या क्रिएट किया कि वो परफेक्ट हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उसके कई सारे आपने क्राइटेरिया डाल दिए, ठीक? तो आपकी थॉट स्पेस पे, स्पेस पे, सब पे गई, तो आपका जो एक्सपेंशन हो गया, इसे कहते हैं। तो बस विद फुल क्लैरिटी आप अपना गोल डिसाइड कर लेंगे और अपना फोकस उन्हीं चीजों पे लेकर आएंगे, तो ये पूरा यूनिवर्स जो है वो अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स है, इसलिए आप जैसे ही जिन चीजों पे भी ऑब्जर्व करने लगते हैं, अच्छा ऑब्जर्व करने, कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े अच्छे ऑब्जर्वर, क्या ऑब्जर्वर, कि हर चीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखा कभी ऐसे लोगों को? उनके साथ क्या होता है पता है, जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो बहुत अच्छा हो रहता है, बहुत अच्छा, और जब कुछ खराब होने लगता है वो उसे भी ऑब्जर्व करते हैं तो वो बुरा 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 होने लगता है। तो इतना ज्यादा भी ऑब्जर्वर नहीं बन जाएंगे, ऑब्जर्व करना अच्छी बात है विद डिटैचमेंट, अगर ऑब्जर्वर ही बनना है तो विद डिटैचमेंट, हर चीज से अटैचमेंट इसीलिए कहा जाता है ठीक नहीं होता है, चाहे वो बहुत अच्छी चीज ही क्यों ना, आपकी हैबिट पड़ जाती है अटैचमेंट की, तो जब कुछ बुरा भी होने लगेगा तो उसमें आप अटैच हो जाएंगे, और जब अटैच हो जाएंगे तो पता है क्या होगा, है ना? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विद योर प्रैक्टिस अटेंशन टू एनी सब्जेक्ट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिलीवर्स सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, एक्सपीरियंसेस, अदर पीपल एंड ऑल मैनर ऑफ थिंग्स दैट मैच योर हैबिचुअल डोमिनेंट वाइब्रेशन, एंड एज थिंग्स बिगिन टू मैनिफेस्ट अराउंड यू दैट मैच द थॉट्स यू हैव बीन होल्डिंग, यू नाउ डेवलप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशनल हैबिट्स, ठीक है? उस तरह की आप एक्टिविटी अपने आप ही करने लगोगे, पता है?
वो जब सबकॉन्शियस में आता है और फिर आपकी बॉडी में आता है, वो मैंने आपको फिगर मुझे एकदम अच्छी तरह याद आ रहा है कि फिर उस तरह के एक्शंस बॉडी लेने लगती है। ऑब्जर्वर मीन्स जो ऑब्जर्व करता है चीजों को, लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हर चीज को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने वाले लोग होते हैं, उनकी बात मैं कर रही थी। चलिए, तो जिस भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे वो चीज, अच्छा हाँ, ऑब्जर्व करेंगे तो ठीक है, उसके साथ आपको एक विजन क्रिएट करना होगा और तब ऑब्जर्वर बने तो वो ज्यादा अच्छा होता है। विजनरी बने, विजनरी मतलब समझ रहे, चीजों को देख भी रहे हैं लेकिन आपको जहां जाना है उस पे आपका फोकस रहे, विजनरी इसी को कहा जाता है। अपने अंदर हमेशा एक विजन उसको क्रिएट करेंगे, उसको ही दिमाग में रखेंगे, तो जो चीज हो भी रही है उसको होते हुए भी आपका विजन कहाँ है उधर ऑब्जर्व करेंगे। तो आज का ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 5, ये है प्रॉस्पेरिटी गेम। तो ये कब करना है, तब कर सकते हैं जब भी आपको अपनी इमेजिनेशन में और क्लैरिटी लानी है और इमेजिनेशन की एबिलिटी को बढ़ाना है और अपनी लाइफ में फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाना है। फ्लो ऑफ मनी छोड़ो, फ्लो ऑफ एबंडेंस को बढ़ाना है। तो इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको अपना एक इमेजिनरी बैंक अकाउंट बनाना है। ये बात बिल्कुल ध्यान रहे, नो एक्चुअल अकाउंट, कोई एक्चुअल अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी अकाउंट ही बनाना है। और उसमें जैसे आप ये डिपॉजिट एंट्रीज करते हैं और चेक विड्रॉल ये सब होता है ना, तो उस तरह का एक जैसे एक्चुअल अकाउंट में करते हैं उस तरह का काम करेंगे, ठीक। और उसके लिए आप अपनी एक नोटबुक ले सकते हैं जिसमें कि सारे जितना जो भी डिपॉजिट करते जाएं और जो विड्रॉ करते जाएं वो सारी चीजें नोट डाउन करते जाएं। और ये गेम बहुत ही इजी गेम है। करना क्या है इसमें, फर्स्ट डे आपको उसमें डिपॉजिट करने हैं 1000 रुपीज, ठीक। इमेजिनरी, कोई एक्चुअल अकाउंट नहीं बनेगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि कल के दिन आप कहें कि वो कुछ अकाउंट बनने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और करना होगा, क्या करना है, तो ऐसा मैं पहले से बता दूं। इमेजिनरी अकाउंट बनाना है, उसमें पहले दिन आप 1000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे और उसको फिर उसको खर्च करेंगे, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और जो डिपॉजिट करेंगे उसको कहीं नोट डाउन करेंगे, जो आपने अपनी नोटबुक बनाई है, और जो खर्च करेंगे वो भी नोट डाउन करेंगे कि कहाँ आपने खर्च किया। हो सकता है कि आप अपने लिए कोई रनिंग शूज लें। ये सारा काम इन योर इमेजिनेशन में, बार बार कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि कल जाके आप कुछ और सामान खरीद के ले आए तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। पहले दिन में है अभी, आप अभी 50th डे पे पहुंचेंगे और 360th डे पे पहुंचेंगे तो फिर तो आप मेरी मुश्किल कर देंगे, इसलिए कंड रखें इससे कंड। ना करते रहे वही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखना होगा आपको कि हाँ मैंने इतना डिपॉजिट कर दिया और उसके बाद उससे ये सामान मैंने लिया है। एक सामान ले सकते हैं, दो सामान ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, 10 सामान ले सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, कुछ एक्स्ट्रा बचा के भी रख सकते हैं, वो भी मर्जी है, लेकिन ना बचाएं वो ज्यादा अच्छा है। सारी चीजें आप खर्च कर दें, बचाने की हैबिट ना डालें। नेक्स्ट डे आपको 2000 रुपीज डिपॉजिट करने हैं और 2000 खर्च करने हैं। थर्ड डे 3000, 3000 खर्च करने हैं। 50th डे 50,000 डिपॉजिट करना है और उतना ही खर्च करना है। और अगर आप इस गेम को और लंबा आगे तक चला सकते हैं तो बहुत मजा आएगा। 300, 300वें दिन पे पहुंचेंगे और 300,000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे और उसे खर्च करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा 1 साल तक करते रहे तो 1 साल में आप 6.6 करोड़ रुपीज डिपॉजिट कर चुके होंगे, और सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं कर चुके होंगे, उन्हें खर्च भी कर चुके होंगे। ऐसा करने से आपकी जो इमेजिनेशन की एबिलिटी है वो दिन पे दिन और बढ़ती चली जाएगी, और आपकी एक्सपेक्टेशन है और जो एक डिजायर है वो भी एक्सपेंड करती चली जाएगी। मतलब कहने का है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका वो चेंज होता चला जाएगा। और आप सबको पता है यूनिवर्स वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है जैसी वाइब्रेशंस आप इमिट करते हैं। और आप एक बार ऐसा करके देखें, बहुत मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, सच में मजा आएगा। सच में मजा कब आता है पता है ना, जब सच में ये सारी चीजें होने लगती हैं। अच्छा कैसे होगा, क्या रियल है क्या फेक है, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता, आपको पता है। चलो अच्छा,
तो ये जो प्रॉस्पेरिटी गेम प्रोसेस है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपनी वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को शिफ्ट करने का, चेंज करने का। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या रियल है क्या फेक है, आप सच में पैसे खर्च कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही इमेजिनेशन में। ठीक है, तो ये गेम समझ में आ गया, प्रोस्पेरिटी गेम है ये, समृद्धि का खेल। अच्छा नेहा जी, कुछ कहना है आपको? हाँ दीदी, ये पूछता है कि रोज इसमें अमाउंट बढ़ाना है, रोज का रोज ही बढ़ाते जाना है, कभी सेम अमाउंट नहीं रह सकता। नहीं, आज जैसे आपने 1,000 डिपॉजिट किया, कल 2,000 करना है, परसों 3,000 करना है, उसके बाद 4,000, उसके बाद 5,000, उसके बाद 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10th डे पे 10,000, 30th डे पे 30,000, 50th डे पे 50,000, और वो सारे पैसे हर दिन आपको खर्च भी करने हैं। ये नहीं कि आप पता चला कि चलो अब हम सब जमा ही कर लेते हैं, इतने करोड़ों रुपए मेरे पास हो जाएंगे, सबको खर्च भी करना है, यही मेन उसका गेम है। देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग खर्च करते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि वो तो इमेजिन है कि खर्च किया है यहाँ पर, ये चीज खरीद लिया, पर रियल में तो नहीं है। तो अगर मान लीजिए मुझसे निकल रहा है कि अरे ये चीज तो है नहीं मेरे पास, तो वो गेम पे असर तो नहीं करेगा कभी? बिल्कुल करेगा ये, हम तो बिल्कुल फिर करेगा। कैसे करेंगे, तो वो इमेजिन कैसे करेंगे उसको फिर, कि यही ये तो, तो ये लेना ही। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये क्यों करना है, आपकी इमेजिनेशन की एबिलिटी को बढ़ाना, बढ़ाने के लिए, इमेजिनेशन की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आंख बंद करके कि हाँ आपने हाथ में लिए हुए 50,000 और आप किसी मॉल में घुसे, ठीक है, और आप क्या 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 लेके वापस आ सकते हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, कर पा रहे हैं? हाँ कर, तो बस इसी को प्रैक्टिस करना है, और जब हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, आज 50,000 लेके गए, कल 1 लाख लेके गए, फिर आगे उसके बाद 10 लाख लेके गए, इस तरह से आप करें इस तरह की प्रैक्टिस, और जब आप ये करेंगे तो आपके वाइब्रेशंस चेंज होंगे ही होंगे। और ये ना सोचना कि इतने पैसे फिर आएंगे कहाँ से, मैं कैसे खर्च करूंगी, वो अपने आप कहाँ से आएंगे आपको नहीं पता। जब आपने बोला कि रनिंग शूज खरीद लिया, अब सच में मेरे पास रनिंग शूज नहीं है, तो फिर उसे डील कैसे करेंगे? मतलब रियलिटी में क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस इमेजिन करिए और आप देखिए कि कैसे कुछ दिनों में आपके पास रनिंग शूज आते हैं कि नहीं आते हैं, यही तो गेम है। कुछ जैसे मैम एक और यहाँ क्या सवाल। करिए हाँ मैम, बताइए। जैसे अभी ये मनी से रिलेटेड मतलब था कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए हम ये गेम खेल रहे थे, सेम वे में हम अपने थॉट्स जो हमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो लाते हैं, जो बेसिकली सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में वो जो भी इससे पहले हम पढ़ रहे थे, तो उसके लिए भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम डेली एक एक कुछ अफर्मेशन अच्छे लिखते चले जाएं, फिर वही चीज मतलब वो एक तरह से वो रूटीन बन आप एक जाएगा ना काम वो चीज। करो, एक एफर्मेशन लो, नोट करो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये एक ऐसा एफर्मेशन है, आपने अभी दिमाग में ये भी नहीं उसको जोड़ डाला कि हाँ भाई सब कुछ सही हो गया, मैं कैसे ये बिलीव कर लूँ, कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम यहाँ के 10,000 कोरियन वॉन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हाँ 1,000 बिल्कुल तो बिल्कुल लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जहाँ भी हो वहाँ के आप करेंसी वहाँ का आप यूज कर सकते हैं। हाँ जी, 40 डेज का नहीं सुना, 40 डेज का भी सुन लीजिए, बहुत ही वो है, 21 डेज। देखिए दिमाग को कुछ भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट मतलब कोई एक हैबिट ही मान लो, उसको अंदर लाने के लिए कुछ उसकी टेक्निक्स होती है वैसे। तो 21 डेज क्या होता है कि एक पहला, जैसे कहते हैं पहला पड़ाव है, यहाँ आपके दिमाग को एक हैबिट लग जाती है, उसकी आदत सी पड़ जाती है 21 डेज में। वैसे तो कई अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही है कि अगर आप रोज एक ही टाइम पे एक चीज 21 डेज के लिए कर रहे हैं तो उसकी एक हैबिट पड़ जाएगी। अगर आप 22nd डे नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज ट्रिगर करेगी कि नहीं वो क्या कुछ करना है, ठीक है। इसी तरह 40 डेज में एक दूसरा पड़ाव आता है कि वो चीज और अंदर बैठ जाती है कि हाँ वो मुझे करना ही करना है, एक अंदर से स्ट्रॉन्ग डिजायर आने लगती है कि नहीं वो मुझे करना ही करना है, वो चीज होनी चाहिए। और 90 डेज तक अगर कुछ आप कर लेते हैं
वो एकदम ब्रेन में सेट हो जाता है। हाँ भाई ठीक। अब तो मैं जैसे मान लो सुबह उठना है मुझे, 90 डेज तक आपने रोज सुबह उठने की ऐसे वो प्रैक्टिस कर ली, सुबह मीन्स जो भी अर्ली मॉर्निंग, फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप उठ जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपकी आँख खुल जाएगी। ये लर्निंग टेक्निक्स होती हैं, ऐसा मैम नहीं एक और कि चीज, हाँ जैसे अभी आपने बोला कि सपोज 1,000 हमें डिपॉजिट करना है और उसी दिन 1,000 स्पेंड करना है, बट अगर हमारे दिमाग में कुछ है कि हमें 5,000 का वो सामान है और वो खरीदना है, तो 5 डेज जमा करके फिर 5 नंबर डे में उसको वो वाला चीज खरीद सकते हैं। 5th डे जाके खरीदेंगे। अभी आप पहले 1st डे थोड़ा कुछ और खरीद लीजिए, 5th डे का इंतजार कर लीजिए और उस दिन आप वो खरीद लीजिएगा जो आपको 5,000 का खरीदना है। अभी आज आप कुछ और छोटा मोटा ऐसे खरीद लीजिए। अच्छा, हमें लगा वो खत्म हो जाएंगे ना, पैसे जमा कर लेते हैं। नहीं, खत्म देखिए, खत्म आप ही को करना है, खत्म हो नहीं जाएगा, आपको खत्म करना है। 5th डे आप 5,000 डिपॉजिट करेंगे और 5,000 का सामान खरीदेंगे। ठीक है ठीक है, हंसी आ रही है, मजे आ रहे हैं, तो हंस लें, मजे करने के लिए ये फन एक्टिविटी है, दिस इज कॉल्ड फन एक्टिविटी। और आपको बता दूं, एब्राहम हेक्स हमेशा हमेशा जोर डालते हैं खुश रहने पे, खुश रहने पे। इसको आपको सुन के मजा आ रहा है, मजा ही तो करना है, खुश तो ही रहना है, हंसना ही तो है, मुस्कुराना ही तो है। और ये मुस्कुराने से ही आपका वो जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था वो चेंज हो जाएगा। इस एक्टिविटी को भी अगर आप कर रहे हो अपने मन में, अरे यार पता नहीं क्या ये मैं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, अंदर मजा आ रहा है, करो, मजा ही तो करना है। अपने वाइब्रेशंस इसी तरह हमें हाई करने हैं। अभी कोई और वो कपिल शर्मा शो देखने लग तो, मतलब उससे आप अपने वाइब्रेशंस हाई कर, लेकिन ये ऐसी एक्टिविटी है, इससे क्या हो रहा है, डबल फायदा हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन भी हाई हो रही और साथ में पता है क्या जो होने वाला है वो आप देख के, सच में अगर किया किसी ने तो जो होगा फिर वो आप देखिएगा। Have trust, have faith. अपने faith ही तो नहीं है, बाकी सब तो है। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा कैलकुलेशन पावर भी बढ़ती जाएगी मैम, कैलकुलेट करना हाँ ये बात पड़ेगा। भी सही है, आपके मैथमेटिक्स भी सही होती जाएगी, कौन से पैसे कहाँ मैंने खर्च करे, कितना बारीकियों से वो क्या एक एक रुपए उसको जोड़ जाड़ के पता चला आधे से ज्यादा दिन इसी में बीत गया है। अगर मैंने आपके उस, मैम इसको लिखना है मैम, जो खर्चा किया है उसको लिखना है। हाँ लिखना है, वही तो ओके लिखना क्या मैम, ये है, सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी अभी तक की थी तो अरे मैं। लिखना क्या है पता है कि क्या आपने लिया है, ये नहीं लिखना है कि अब उसमें एक एक रुपए जोड़ने लगेगा, अरे ये 5 रुपए तो बच ही रहेगा, 5 रुपए का तो कुछ सामान और लेना तो ले ही नहीं पाए, ऐसा नहीं करना, एकदम नहीं किचकिच में लेके नहीं आना है उसे, है ना। मैं उधारी उधार में भी दे सकती हूँ, आज 1,000 के बजाय 2,000 का खर्चा कर रही मैं। मेरे साथ ऐसे ही होता नहीं है। भाई ये उधारी उधारी का काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप उधार लेके चले आए, ये सब ठीक नहीं है। 2 दिन रुक जाइए, उसका डबल अमाउंट मिल जाएगा, आप और बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं ना। 4 दिन और रुक जाएंगे तो और मजे आएंगे, इस निधि अपने साथ समय साथ 2-3 लोगों का और भी ले लेगी, बोलेगी तू रहने दे मैं खर्च कर लेती हूँ पहले। नहीं, आपके जो फ्रेंड्स ये सब नहीं कर रहे ना उनके लिए भी आप लोग शॉपिंग कर लेना, कहते हैं मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब तुम देखो मैं क्या क्या चीजें लेकर आती हूँ। देखिए एक चीज मैं लास्ट में ये जरूर बताऊंगी कि सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या रियल है क्या फेक है, वो मैं आपको कई बार एग्जांपल बता चुकी हूँ, नींबू का बता चुकी हूँ, गुलाब जामुन का बता चुकी हूँ, हर चीज का बता चुकी हूँ। तो जिस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है ना, ये सारे सलाइवा और ये सब जो कह लो, जिस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसी तरीके से ये सारा जो आपके लाइफ एरियाज हैं वो रिएक्ट करते हैं। इसलिए अगर आपने जैसे ही ये सारी चीजें करना शुरू करी तो उधर से क्या निकल के आएगा पता नहीं, कौन सा सलाइवा कहाँ से निकल के आएगा। अपने दिमाग में हमेशा ये रखेंगे कि लाइफ ऑलवेज लव्स मी, लाइफ ऑलवेज लव्स मी, और जिस चीज को आप लव देते हैं वापस भी वहां से वही चीज लौट के आएगी। थिंग्स आर ऑलवेज गुड टू मी, हर चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये मैं ऐसे क्यों मैंने बताया, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप अपने मन में ऐसे ही चलते फिरते भी इन चीजों को लेकर आ सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ये इसे कहते हैं जनरल स्टेटमेंट्स, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है ना। तो जनरल से क्या होता है कि आप
धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब थोड़ा जनरल के बाद ऊपर आ गए तो स्पेसिफिक अपना डाल दिया कुछ एक आध, फिर जनरल पे आ गए, थोड़ा सा खेल खेले ना, मजे ले बस ऐसे समझे। चलिए थैंक यू सो मच सभी को, कुछ कहना है किसी को तो कह सकता है। अरे वो निधि मैडम जो पूछना चाह रही थी वो शायद आपने समझा नहीं, वो ये कह रही थी कि मान लो मेरे पास 5,000 रुपया है या निधि मैडम के पास 5,000 रुपया है, तो 4,000 उन्होंने खर्च कर दिया और 1,000 रुपया अपने किसी फ्रेंड को दे दिया किसी, तो उससे ये उम्मीद करना कि 1,000 वो अगली बार 2,000 करके देगी क्या, शायद वो ये सोच रही है। तो ये भी इमेजिन वो कर सकती है क्या, वो ये हाँ पूछना क्या चाह बात रही है, है। तो फिर खर्च करने क्या जरूरत है, सारे पैसे स्टॉक्स में लगा दीजिए, आजकल सब माला माल हो जाएगा फिर हाँ तो। बस वो यही जानना चाह रही थी, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप। ऑलरेडी मैं बोल रखा है पिंकी को कि मैं क्रिकेट रहूंगी थैंक का, तो मैं बोल के रखा हुआ है अभी कब हाँ कि मैंने इतना दिया है पता तो नहीं मेरे, पर कराऊंगी। तुम मुझे और इतना एक देना। बुक्स और प्रेडा का बैग भी दिलाएगी हमें, लेके हाँ मैं भी मतलब भेज निधि देती मैडम हूँ का आइडिया मुझे आपको। पसंद आया कि अगर कुछ बचा है तो किसी को दे दो, फिर उससे ये एक्सपेक्ट करो कि मैंने तेरे को 1,000 दिया तो तुम मुझे 2,000 देना, बिल्कुल नो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना ऐसा है, ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस तरह का दिमाग में थॉट आ रहा है तो ये थॉट निकाल दे, इस तरह का बिजनेस नहीं करने लगना है उसी में कि चलो अब वो कौन सा वो ये क्या एक कौन सा बिजनेस होता था वो गांव में लोग जो होते हैं जो पैसे देते हैं उधार पे, वो चिट फंड करते हैं, ब्याज नहीं उसी ब्याज पे देना या सूद पर, पे देना, ब्याज पे उन देना, लोगों को क्या कहते हैं, साहूकार या जमींदार, ऐसा। जमींदार बोलते महाजन, महाजन नाम हाँ, शायद। साहूकार, हाँ मतलब इस तरह जो का काम अब नहीं करने लगना है कि आप इमेजिनेशन में अपने इस तरह की चीजों को क्रिएट करने लगे, है ना। एक्चुअली वो यही पूछ रही थी, इसीलिए मैंने कहा वो अच्छा मुझे बाईपास हो मुझे ना गया कई क्वेश्चन। चीजें मुझे सुनाई भी नहीं देती हैं जो मेरे, तो मैंने सुना ही नहीं। नहीं मैं सुन रहा था अच्छे ईमानदारी, से उनकी ईमानदारी तरफ से से। काम हाँ ये तो निधि का काम है मैम, आधी चीजें ना वो पता है आप बोलते रहो और वो ना अपने ही ख्यालों में खो जाती है, और बाद में फिर उसको क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ता है ताकि उसने सुना है या नहीं सुना है कभी। ओके मैम ये दिस क्रेडिट गोज टू मैम, मैम ने सिखाया पिंकी। तू बाद में आई है, धीरे धीरे आएगा तुझे। चलिए, मतलब सच में इस तरह का काम ना करेंगे, अपने ख्यालों में भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि इस तरह का जो पैसा होता है वो सही नहीं होता है ना, भले ही वो साहूकार कह लो या जमींदारी कह लो या कुछ भी, इस तरह का पैसा जो है वापस जो आता है लौट के वो सही नहीं होता। सही क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव एनर्जी से आता है। आप तो ये जरूर सोच सकते हो, मैं मुझे लगा किसी और को गिफ्ट करना है कि हाँ ठीक है चलो मैं उसके लिए भी खरीद देती हूँ, ये भी कर देती हूँ, तो ये काम जरूर सोच सकते हैं, इस चीज को जरूर अपने इमेजिनेशन में लेकर आ सकते हैं, लेकिन वैसा ना सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ना बहुत अच्छा नहीं ना ही सोचे। उससे अच्छा है मंदिर में दान कर देना उतना, भंडारे करवा देना। बट क्या बात है, मैम जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतना इंटरेस्ट मिले और उतना, तो वो कैसा, वो भी सही नहीं है फिर। वो तो सही है, बैंक वाले क्या करते हैं आपको क्या पता, आपको क्या लगता है कि वो उतना ही पैसे उससे कमाते हैं उसे, चलो उसमें क्या जाना मतलब, लेकिन वो चीज अलग हो गई है, बैंक को पूरा एक सिस्टम ही अलग हो गया है, और ऐसा नहीं है कि वो आपको, आप जैसे ये पर्सनल लोन वगैरह जो देते हैं, लोन वगैरह की बात कर रहे हो, वो एक अलग हम चीज हो गई है। मतलब नहीं मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि किसी जरूरतमंद को अगर तुम दे रहे हो और उससे फिर इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो गलत है, राइट। मतलब जो ये जो आप गांव वाला जो एग्जाम्पल दे रहे थे वो ऐसे ही होता है ना, जो जिनको नीड होता है वो दे देते थे एंड देन फिर वो उनसे ज्यादा इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेते रहते थे, जैसे वो मदर इंडिया वाली मूवी थी जिसमें वो। देखिए वो चीज इसलिए गलत है क्योंकि क्या है कि कई बार लोगों के पास कुछ नहीं होता था, एकदम एक्सट्रीम केस हो जाता था, और उनको फिर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था उस चीज को लेने के लिए, है ना, और उसमें बहुत गलत काम भी किए जाते थे, कहा जाता था कि इतना ही लेना है, लेकिन उस चक्कर में उनसे वो जमीनें भी ले ली जाती थी, उनके पूरा घर भी, मतलब वो सब लुटपट जाते थे,
नॉर्मली है ना, बहुत कम ऐसे होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, मैं नहीं कहती कि हाँ इतने इंटरेस्ट पे मुझे देना, और वो चीज वो एग्री भी कर जाए और वो वापस खुशी खुशी दे दे तो वो सही है। लेकिन किसी को एकदम टॉर्चर करके और फिर उसके बाद वो सही चीज नहीं रह जाती है, वो उसमें बहुत गलत चीजें भी मिल जाती हैं। लेकिन उतना अपने ऊपर ना ले लेना, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि अपने फ्रेंड को 1,000 2,000 लेने का मतलब है कि उनको तहस नहस कर देना, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं तो गिफ्ट जरूर करेंगे इन योर इमेजिनेशन। कि पहले अपने लिए जो करना है नहीं वो कर कर लें, सकते हैं। पहले जो अपने लिए करना है वो जरूर कर लें, बिकम सेल्फिश। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू, यू मैम, थैंक थैंक यू मैम, यू मैम, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय।